सर्वांगीण विकास में हमारी महिलाओं को भी प्राथमिकता मिल सके। अगला प्रश्न अमीर सिंह बायल, प्रश्न संख्या 149। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय वरिष्ठ सदस्य को बताना चाहता हूँ, खंड एक, जी हाँ, बाड़मेर जिले में वर्तमान में 10 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं 23 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित किए जा रहे हैं, जिनका ट्रेड सहित विवरण परिशिष्ट एक और दो पर संलग्न है। खंड दो, जी हाँ, बाड़मेर जिले में रिफाइनरी लगने के कारण आईटीआई प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिए जाने के अवसर में बढ़ोतरी होगी। रिफाइनरी से संबंधित अधिकांश ट्रेड वही होते हैं जो कि बाड़मेर जिले की विभिन्न आईटीआई में स्वीकृत हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट एक और दो में संलग्न है। फिर भी रिफाइनरी से संबंधित विशिष्ट ट्रेड खोलने हेतु रिफाइनरी प्रबंधन को दिनांक 30/1/2020 व 14/2/2020 को पत्र लिखे गए परिशिष्ट 3 व 4 पर संलग्न है। उल्लेखनीय है कि रिफाइनरी सेक्टर में संबंधित रोजगार परक लघु अवधि पाठ्यक्रमों का दिनांक 18/12/2020 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्चुअल शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जोधपुर में स्ट्रक्चरल वेल्डर व्यवसाय एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बालोतरा में स्ट्रक्चरल फिटर व्यवसाय प्रारंभ किया गया। वर्तमान में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जोधपुर में स्ट्रक्चरल वेल्डर व्यवसाय में 20 तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बालोतरा में स्ट्रक्चरल फिटर व्यवसाय में 20 प्रशिक्षारत हैं। इसके अतिरिक्त रिफाइनरी प्रबंधन की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए व्यवसाय खोले जाने की कार्रवाई वित्तीय संसाधन उपलब्धता अनुसार की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहूँगा, सिंदरी में आईआईटी वर्तमान में संचालित हो रही है, कौन कौन सा हेड चल रहा है और कितनी राशि हेड चल रहा है और कितनी राशि भवन पर खर्च हुई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंदरी आईटीआई नवनिर्मित है और हम लोगों ने उसको हैंडओवर ले लिया है। पिछले साल हमने उसको शुरू करनी थी, लॉकडाउन के बाद में जुलाई में सेशन शुरू नहीं हुआ, इस वजह से वो आईटीआई शुरू नहीं हो सकी। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी क्योंकि आपका प्रश्न था तो मैंने विभाग के अधिकारियों के साथ में सुबह चर्चा करी और निश्चित रूप से आने वाले सेशन में जुलाई के अंदर आपकी आईटीआई शुरू कर दी जाएगी। अगला प्रश्न श्री अर्जुन लाल जिनगर, 197।